धार लिए थे जिसमें बैनामा कराने हमें लिखित भी दी थाने में, नहीं तो हमें पैसा दिया वापस नहीं, 16 लाख रुपये वापस दिए। आरिफ नाम के आदमी कौन है ये, क्या क्या करते हैं? भू माफिया है और इसने प्लाटिंग का काम करा था। और कुछ लोग हैं इनके संग, 4 साल से हम चार साल से लोगों को परेशान कर रहा है लगातार, आज भी चक्कर लगाते आज कल। अगर तुमने 3 मुकदमा 2 मुकदमा की धमकी दी, नहीं पैसा दिया है, नहीं जमीन दी है वापस, तो धोखाधड़ी हम गए प्लॉट पे तो मिली है, तो मारने की धमकी दे रहे हैं। कोई सी जमीन दिखाई गई, 76176 नंबर दिखाई गई, 3 नंबर का बैनामा कराया, नहीं वो जमीन मिली है, नहीं पैसा मिला। मोहम्मद आरिफ नाम है उसका, आरिफ पहले अपने थाने वगैरह में कहीं गए आप? हाँ थाने गए थे, मगर उसको वो सेटिंग कर लेता है, कुछ उसमें होता नहीं। चलो मैं लग लो, इसमें मैं लग लो, आप लोग बोल दीजिएगा जो भी, दोनों में से कोई भी। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या क्या बात हो गई बताइए, कैसे आना हुआ यहाँ पे? मेरा जमीन कैसे चक्कर लगा रहे हैं, 4 साल से जवान बेटी है मेरी, इकरार रहती है, सारा लगा चुकी हमारे है। उसके बाप का नाम है शेर खान, बहुत दिनों वो चूतिया बना रहा है। हम गाजियाबाद से आते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर चले जाते हैं। हेलो, हेलो, वो बात है, हाँ बताइए। हम लोग को यहाँ पे आते हमारे साथ भी कर रहा है। क्या नाम है? नाम क्या नाम है? नाम क्या आपका? मेरा नाम अनीता। तो जिनने आपके संग फ्रॉड करा वो कौन है? कितने रुपए हैं आपके लेन देन? 7,20,000। जमीन मिली है नाम है पैसे, हम लोग अभी भी गए थे तो हमें मार धाड़ करने लगा, और उसके पहले आके रहते हैं धमका देता है, धमका क्या देता, उसके बाद बदमाश रहते, उसके बाद कौन हाथ पाई करेगा। तो यहाँ कप्तान साहब से आप लोग मिले, क्या आश्वासन दिए कप्तान साहब ने आपको? कहीं भी दिखाई दे फौरन गिरफ्तार होगा। लेकिन थाने से कोई कार्रवाई नहीं, थाने से कोई कार्रवाई नहीं हो रही।